तुला राशि मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, मिलेंगी ये पांच खास चीज। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के महापरिवर्तन के बारे में, जो कि 4 मई की रात 8:40 पर होने वाला है। इस समय मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, मंगल का यह महापरिवर्तन आपकी राशि पर किस तरह के प्रभाव डालने वाला है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, लेकिन आपको बता दें कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है, और इसीलिए 4 मई से मंगल का महापरिवर्तन आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, अब तो भारत के और सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दावा कर दिया है कि हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी सबसे पहले खत्म होने वाली है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अब आने वाला है। दोस्तों, 4 मई से मंगल का राशि परिवर्तन मंगल और शनि की युति को पूरी तरह समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि मंगल और शनि की युति को द्वंद्व योग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लड़ाई। दोस्तों, मंगल और शनि की युति आकस्मिकता देती है, अचानक होती है शुभ अशुभ घटनाएं। इन दोनों ग्रहों की गिनती पाप ग्रहों में होती है। कुंडली में इनकी अशुभ स्थिति भाव फल का नाश कर व्यक्ति को परेशानियों में डाल कर रखती है। मंगल व शनि आपस में परस्पर शत्रुता रखते हैं, जिस वजह से किसी भी कुंडली में ये दोनों ग्रह साथ हों, युति में हो, चाहे शुभ भावों के स्वामी ही क्यों ना हो, जीवन को कष्टकारी बना देते हैं। ग्रह गोचर में भी यह युति काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब 4 मई से ये युति पूरी तरह समाप्त होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ग्रह जिस भाव में साथ साथ हो या सम सप्तम हो, तो शुभ फलों की हानि करते हैं। शनि मंगल की युति पाचन तंत्र की समस्या, जोड़ों का दर्द, ऑपरेशन, एक्सीडेंट व सुसाइड जैसी समस्याओं को जन्म देती है। यह युति आगे बढ़ने से इंसान को रोकती है, करियर में बाधाएं खड़ी करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यह युति पूरी तरह समाप्त होने वाली है और मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं और आपको अपनी जिंदगी में पांच खास चीजें मिलने वाली हैं। मंगल देव, जो कि शौर्य एवं पराक्रम के स्वामी हैं, ग्रहों के सेनापति व भूमि पुत्र हैं, आपके भाग्य और सुख के स्वामी हैं। दोस्तों, सौर मंडल में मंगल ग्रह भी अपनी प्रमुखता के कारण विख्यात है। मंगल ग्रह रक्त वर्ण का है, इसे काल पुरुष का पराक्रम माना गया है। यह ग्रह पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में कुज, भौम और कुमार आदि कई नामों से विख्यात है। वैसे भिन्न भिन्न वर्ण, जाति, समुदाय के लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भारतीय साहित्य में यह रुधिर, भूतन्य, तहिसुत, अंगारत, आवन्य तथा अवनीज आदि नामों से जाना जाता है। मंगल ग्रह को कुछ विद्वान तथा पाश्चात्य ज्योतिषी वीरता का सेनानी और युद्ध का देवता भी कहते हैं। सौर मंडल में मंगल का स्थान चौथा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 10वें हिस्से की है। पृथ्वी के निकट आने पर इसे सरलता से देखा और पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह लाल आभा वाला ग्रह है। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष के मत से मंगल ग्रह को पराक्रम, साहस, सहनशीलता, देश प्रेम, क्रोध, घृणा तथा आक्रमण प्रवृत्ति का अधिपति माना गया है। घाव, षड्यंत्र, भूचाल, दुर्घटना, विस्फोट, छल छदम आदि का अध्ययन भी इस ग्रह से करते हैं। मंगल का अशुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन में विशेष बाधक होता है और मांगलिक दोष होने पर जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता तथा विवाह विच्छेद हो जाते हैं।
मंगल ग्रह रात्रि बलि है तथा दक्षिण दिशा का स्वामी है। यह लाल रंग का प्रतिनिधि तमोगुणी पुरुष प्रधान ग्रह है। मनुष्य शरीर में पेट से लेकर पीठ तक का भाग, सिर, नाक, फेफड़े, मस्तिष्क तथा रक्त दोष पर इसका नियंत्रण रहता है। दोस्तों, मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को चेचक, रक्त सत्राव, ज्वर, पित्त, कफ विकार, प्लेग, घाव, अंडकोश वृद्धि, फोड़े फुंसी तथा धातु की शिकायत रहती है। शुभ मंगल होने की दशा में व्यक्ति को भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। राजनैतिक क्षेत्र में वो नेतृत्व प्राप्त करता है तथा किसी प्रशासनिक सेवा, पुलिस तथा इंजीनियरिंग में ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। मंगल ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में 28 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु में पड़ता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल शुभ हो या शुभ भाव का स्वामी हो और इस समय में मंगल की महादशा या अंतरदशा पड़ती हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों को 5 खास चीजें मिलने वाली हैं। 4 मई से मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और यह बदलाव कई मामलों में बहुत सकारात्मक होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि के लिए मंगल देव आपके सप्तम भाव के व्यापार के डेली इनकम के स्वामी हैं। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी और आपके दूसरे भाव के स्वामी, आपके धन के, कुटुंब व परिवार के स्वामी भी मंगल देव हैं। इस समय में मंगल देव आपकी राशि से चौथे स्थान से निकलकर 5वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। 5वें भाव में आकर मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ने वाली है। दोस्तों, मंगल जो कि आपके बिजनेस के, आपकी इनकम के स्वामी हैं, अब पंचम भाव में आकर के आपके व्यापार कारोबार को चलाने वाले हैं। सबसे पहले मंदे की स्थिति आपके लिए समाप्त होने वाली है और मुनाफे के सौदे अब आपको मिलने वाले हैं। अब व्यापार कारोबार में तेजी आएगी और कोरोना वायरस खत्म होने के साथ साथ आपको आगे बढ़ने के बहुत से मौके भी मिलेंगे। अब आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी बनेगी। व्यापार में आने वाली तमाम तरह की परेशानियां अब दूर होंगी और रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। इस समय में नए काम की शुरुआत भी होगी। इस समय में नए काम की शुरुआत के लिए धन की व्यवस्था भी होगी। आपकी डेली इनकम के नए रास्ते खुलेंगे और वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे। दोस्तों, इस समय में कारोबार की स्थिति बहुत बेहतर होगी। दूसरी सबसे खास चीज आपको अपने घर परिवार से मिलने वाली है। इस समय में आपको घर परिवार से धन दौलत मिलने वाली है। घर परिवार से नए कामों को मंजूरी मिलेगी और परिवार से आपको संपत्ति तक मिल सकती है। संपत्ति के पुराने वाद विवाद दूर होंगे। आपके घर में भी अगर किसी तरह का तनाव था वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी खास चीज़ अब आपको अपनी सेहत में देखने को मिलेगी। अब आपकी सेहत में ज़बरदस्त सुधार आने वाला है और तमाम तरह की परेशानियां, फिर चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, और तमाम तरह के गंभीर रोग भी आपसे दूर भागेंगे। हर प्रकार से आप पूरी तरह खुद को स्वस्थ पाने वाले हैं। बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, चौथी बड़ी खास चीज़ आपको अपने लाभ में वृद्धि अब दिखाई देगी। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके खर्चों पर पूरी तरह रोक लगाकर आपके धन को जोड़ेगा। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। कई तरह की चीज़ों में नया निवेश करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और मंगल की आखिरी दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि
आपके 12वें भाव पर पड़ने से किसी भी तरह से आपके गुप्त शत्रुओं और आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी के चक्कर भी खत्म होंगे। लड़ाई झगड़े वाद विवाद में आपकी जीत होगी और साथ ही साथ विदेशी कामों में भी सफलता के नए रास्ते अब खुलेंगे। जन्म स्थान से दूर रहने वालों के लिए यह समय बेहतरीन होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ट्रैवलिंग करने वालों के लिए और मार्केटिंग के काम से जुड़े लोगों के लिए भी अब नए रास्ते खुलने वाले हैं और आपके व्यापार की और नौकरी की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे मन से जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें।